कई फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके सतीश समुद्र ने अपनी इस एल्बम को गांव के रहन सहन को देखते हुए बनाया है। इस एल्बम में खास बात यह है कि सतीश समुद्र ने इस एल्बम को आज के नौजवानों के मन को देखते हुए बनाया है। जब हमने प्रोड्यूसर से बात की तो कुछ उन्होंने यूं कहा, ये एल्बम मेरा 6 साल पुराना एक सपना था, जो जिस समय मैंने ये वर्ड मैंने सुना था इंदौर में मेरे दोस्त की शादी में। शादी के बाद में जो बीच का परेड होता है जहाँ पे लोग आराम करते हैं एक रूम में, वहाँ पे एक बच्चे को लेके मेरे दोस्त के पापा जो थोड़े पिए हुए थे उस बच्चे को लेके आए थे, जो बच्चा रो रहा था और उसको प्यार से वो चुप कराने के लिए गुंडर मुंडर हुआ ये सब चीज़ कर रहे थे। देन मेरा ध्यान उस लफ्ज़ से गया कि जो गुंडर मुंडर हुआ वर्ड है, ये जो शब्द है, ये बिल्कुल मेरे दिमाग में बैठ गया और इस पर मैंने अपना एक खुद का गीत लिख दिया, जो बाद में हमारे लिरिक्स राइटर है संजय कबीर जी, उन्होंने फिर इसको एक अलग रंग दे दिया। तो एल्बम बनाने का मकसद मेरा यही है कि लोगों तक अच्छी चीज़ पहुँचे। दो बच्चे हैं जिनको मैं इसमें इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, उनका मार्केट में एक अलग नाम हो। एल्बम में आपको सभी नए चेहरे नजर आएंगे, जैसे अभिनेता के रूप में संकेत पति और अभिनेत्री के रूप में हिना खान। एक्टर संकेत ने अपनी एल्बम की कुछ कड़ियाँ यूं गाकर सुनाई। मस्ती में झूम कर मैं खूब पी गया, चढ़ गया नशा तो मैं लड़खड़ा गया, भूल गया खुद का ही मैं नाम और पता, माफ कर खुदा हो ये कैसी है खता। आई थिंक मैंने बहुत मेहनत की है ये यहाँ पर पहुँचने के लिए, तो मुझे लगता है कि सतीश सर ने भी इतनी मेहनत की है मेरे लिए, सो आई थिंक ये एल्बम हिट होगा ही, ये मेरा मानना। एक तरफ जहां संकेत पति ने अपने एल्बम के गाने गाए, वहीं दूसरी तरफ हिना खान ने भी एल्बम की प्रशंसा की, साथ ही उन्होंने संकेत की भी तारीफ की। ये फर्स्ट एल्बम है, उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत पेपी टाइप का सॉन्ग है, बहुत मस्ती वाला सॉन्ग है। बार में डांस कर रहे हैं हम लोग, तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा है मुझे डांस करके। वो भी बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, उनका नाम संकेत है और मैं उनसे मतलब अच्छे टाइप के इंसान है वो भी। उनका भी अच्छा डांस है, मेरा भी अच्छा डांस है, अब देखो टच फुट क्या होता है। खैर, प्रोड्यूसर सतीश का यह एल्बम नौजवानों को कितना पसंद आएगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।